आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने बहुत ही यूज़फुल चीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे दिखा रही हूँ, इस तरह की टी शर्ट भी आप ले सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे पुराना गिलाफ जो होता है तकिए का कवर, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। तो तकिए का कवर का जो साइड वाला पार्ट है, जो ओपन माउथ वाला है, उसको हमें स्टिच कर देना है, या फिर आप ग्लू गन से इसको चिपका सकते हैं। तो इसको मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ऊन का यूज़ कर रही हूँ, और स्केल लेनी है हमें। ऊन की हेल्प से इस तरह से हम स्केल में चारों तरफ लपेटेंगे। और आगे की तरफ खिसकाते जाएंगे ऊन को। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इतना लंबा कार्डबोर्ड का यूज कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। इस तरह से लपेटने के बाद ये कॉर्नर पे हमें ग्लू गन लगाना है। गन से हमें इस तरह से ग्लू से इसको स्टिक कर देना है, और फिर खड़े ला करके हमें इसको प्रॉपर सेट करना है। इस तरह से प्रॉपर सेट करने के बाद कटर से, या फिर आप चाहो तो नाइफ सीजर से इसको कट कर सकते हैं। ये इस तरह से कुछ होगा। इसी तरह से पूरा लंबा लंबा बनाएंगे, तो जल्दी ये कंप्लीट होगा। यहाँ पहली लाइन में मैं ग्लू ऊन का यूज कर रही हूँ, लेकिन सेकंड लाइन में मैं ऊन का यूज नहीं करूंगी। ये देखिए, फर्स्ट लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है इस तरह से। अब हम सेकंड लाइन करेंगे। तो यहाँ दूसरी लाइन के लिए मैं ऊन का यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप चाहो तो पूरा ही ऊन का बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने लोअर ले रखी है, स्ट्रेचेबल जो होजरी की लोअर होती है वो वाली है। आप चाहो तो होजरी की टी शर्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसी तरह वर्क करेगी। और इसको प्रॉपर खोलना है, लंबाई की तरफ हमें इसका पीस चाहिए होगा, जो लंबा वाला पार्ट है। जितना किनारी है या फिर स्टिचिंग है उसकी, ऑलरेडी उसको हम निकाल देंगे। ये देखिए, लंबाई वाला जो है लोअर का, उसकी तरफ मैंने कैची सीधी रखी है, और हम बहुत पतला पतला इसकी कटिंग करेंगे लोअर की। ज़्यादा देखिए, चौड़ी पट्टी में नहीं काट रही हूँ, बहुत पतली पट्टी काटनी है हमें। और ये देखिए, पूरा मैंने पट्टी कट नहीं की है, इसको लास्ट में कॉर्नर पे लाके रोक देना है। ये ध्यान रखें कि लास्ट में कॉर्नर पे हमें रोक देना है, और फिर कॉर्नर पे रोक के हमको उधर से घुमा देना है कपड़ा, और फिर बगल से हमें दूसरी पट्टी काटनी है। इस तरह से क्या होगा कि एक पट्टी में ही ज्वाइन रहेगा सारा, अलग अलग पट्टियाँ नहीं होंगी। जैसे कि मैं आगे एक बार और दिखा दे रही हूँ आपको, पूरी पट्टी काटने के बाद हमें साइड से, चाहे आप इधर से कट करके दूसरी पट्टी निकाल सकते हैं, चाहे थोड़ा सा डिस्टेंस दे के आप पूरा यहाँ से सीधी काट सकते हैं, और इसमें पट्टी ज्वाइंट रहेगी इस तरह से। तो पूरा इसी तरह से हमें लोअर के पार्ट को पतली पतली पट्टियों में निकाल लेनी है जॉइंट के साथ। ये देखिए, निकालने के बाद हल्का हल्का हमें खींच देना है इसको, थोड़ी सिकुड़न इसमें आ जाएगी। और फिर इसका हमें एक बॉल बना लेना है, जिस तरह से हम यार्न का बॉल बनाते हैं उस तरह से बॉल बना लेना है। खींचते वक्त ये ध्यान में रखना है कि जहाँ से जॉइंट वाला पार्ट है उसको हल्का खींचना है। इस तरह से बॉल बन गई। अब आगे इस वाले पट्टी को भी मैं इसी में लपेटूंगी, जिस तरह से हमने पहले ऊन का लपेटा है। तो
आप चाहो तो पूरी टी शर्ट या लोअर का ये पूरा बना सकते हैं जो हम डोरमेट बना रहे हैं, या फिर आप मिक्स करके ऊन और टी शर्ट का या फिर इस तरह कुछ बना सकते हैं। यहाँ पे ऊन कम है और दो तरीके से मैं बताने वाली हूँ आपको, इसीलिए मैं दोनों चीज़ें इसमें सेट करके लगा रही हूँ। और इसी तरीके से हम फिर से इसको भी सेट करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस देके दूसरी वाली लाइन, ये देखिए कुछ इस तरह से। और इसी तरह से मेथड से हम कैची से इसको कट करके निकाल देंगे, 2 से 3 सेकंड के बाद हम कैची से कट करेंगे। और ये देखिए ये दूसरी वाली पट्टी, पट्टी की जो हमने लगाई है सेटिंग, वो देखिए इस तरह से कुछ आएगी। तो पूरा इसी तरह से हमें करना है। इसको मैं फिल कर देती हूँ और सेकंड में येलो यूज़ कर रही हूँ थर्ड में। कलर कॉम्बिनेशन आपके ऊपर है कि आप कौन सा कलर लगाते हैं, मेरे पास जो था वो उसी से कर रही हूँ। और ये वाली लाइन भी कंप्लीट कर ली मैंने। गाइस ये देखिए मैंने पूरा कवर कर दिया है अपने कपड़े को, लास्ट की लाइन मेरी रह गई है तो उसको भी मैं कवर कर देती हूँ। तो इसी तरह से पैटर्न को मैंने फॉलो करते हुए एक एक लाइन इसमें एडजस्ट की है, कहीं पे मैंने ऊन का यूज़ किया है और कहीं पे लोअर की कटिंग जो हमने की थी उसका यूज़ किया है। और कितना प्यारा ये लग रहा है आप देख सकते हो। इसको भी सेट कर देंगे लास्ट वाले को भी। और ये बनकर रेडी हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है, ये देखिए कुछ इस तरह से। आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा अगर कहीं जगह आपको दिख रही है तो वहाँ पे भी आप 2-4 पट्टियाँ ऐसे ही काट के चिपका सकते हैं। और ये बन करके देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है और पुरानी चीज़ों से ये मिलकर बना हुआ है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आपको एक लाइक कर देना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मैं थोड़ा करीब से आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।